Assalamu alaikum viewers, as you know that in the previous lecture 6 I have explained John Dryden biography. Today I am going to explain his critical essay of dramatic poesy. Let's start our today's lecture. Here we have part 2 of Dryden's essay of dramatic poesy. Dryden ka essay 1666 mein likha gaya aur 1668 mein publish hua. Ye unke career ka bahut hi aham document hone ke sath sath literary theory mein bhi bahut aham tha. उन्होंने अपने ऐसे में रीडर्स को एड्रेस किया कि वो इंग्लिश राइटर्स की ऑनर को जस्टिफाई करना चाहते हैं उन लोगों में से जो कि उनके सामने फ्रेंच राइटर को प्रेफरेंस देते हैं. ओके स्टूडेंट, लेट्स रीड ड्राइडन्स प्लान. पांच किस्म के क्रिटिकल क्वेश्चन उन्होंने हैंडल किए इस एसे में. पहले उन्होंने एंशिएंट और मॉडर्न पोइट्स की खूबियों का तस्करा किया. फिर फ्रेंच स्कूल ऑफ ड्रामा इंग्लिश से इन्फीरियर हैं कि सुपीरियर. ड्राइडन के दौर में क्या सब इंग्लिश एलिजाबेथन ड्रामाटिस्ट सुपीरियर थे या इन्फीरियर अपने व्यूज से मुतलिक. एंशंस ने जो रूल दिए थे ड्रामाटिस्ट के लिए क्या वो सब फॉलो हुए थे और क्या राइम और ब्लैंक पर सीरियस प्ले में ही इम्प्रूव हुई. अब आते हैं ओकेजन पे. 1663 में एक फ्रेंच मैन सैम्यूल सोरबीर ने इंग्लैंड विजिट किया और डिप्लोमेटिक मिशन से वापस फ्रांस आया. अनडिप्लोमेटिक चीज़ों की पब्लिशिंग की अपने ट्रैवलिंग के जरिए और कुछ अनफेवरेबल रिमार्क्स थी इंग्लिश साइंस और इंग्लिश स्टेज पे. सोरबीर कामयाब हुआ अपने मिशन में और उसने इंग्लिश रॉयल सोसाइटी को जवाब के लिए बेदार किया. यहाँ पे चार करेक्टर्स हैं जो कि बोट में सफ़र कर रहे हैं और उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के ड्रामा पर रीजनिंग स्टार्ट की है. राइडर ने ऐसे और ड्रामेटिक पोइजी में डिफरेंट करेक्टर्स को शो किया है जैसे कि क्राइड रिप्रेजेंट करता है ड्राइडन के बहनोई सर रॉबर्ट हॉवर्ड को. यूजीनियस रिप्रेजेंट करता है लॉर्ड बुकरस्ट जो कि ड्राइडन के फ्रेंड थे. लिसीडियस रिप्रेजेंट करता है चार्ल्स सिडले जो कि विट ऑफ द डे थे. मेंडर जो थे वो जॉन ड्राइडन खुद थे. अब क्राइड्स ने एंशियंट ड्रामा को सपोर्ट किया. लिसीडियस ने फ्रेंच ड्रामा को सपोर्ट किया. यूजीनियस ने मॉडर्न ड्रामा को सपोर्ट किया और मेंडर जो थे वो इंग्लिश ड्रामा के सपोर्टर थे. वो कहते थे कि इंग्लिश ड्रामा इज़ द बेस्ट. अब आते हैं ड्रामा की तरफ. ये कन्वर्सेशन जो थी वो एंशियंट और मॉडर्न पोइट्री की खूबियों और खामियों पर होती रही. लिसीडियस ने इस प्ले को ऐसे डिफाइन किया है कि ड्रामा एक ह्यूमन नेचर का ऐसा इमेज है जिसमें पैशन मजाक किस्मत का बदलाव रिप्रेजेंट होता है. ये खुशी और इंसानों की इंस्ट्रक्शन का उनवान है. फिर चारों करेक्टर्स ने इस डेफिनेशन के साथ एग्री किया. इसके बाद आते हैं क्राइड्स वर्सेस यूजीनियस. क्राइड्स जो थे वो एंशियंट ड्रामा के सपोर्टर्स थे जबकि यूजीनियस मॉडर्न के. तो क्राइड्स कहते हैं कि एंशियंट राइटर्स बहुत अच्छे थे उनका काम और रूल्स को मॉडर्न राइटर्स ने फॉलो किया है जबकि यूजीनियस ने कहा कि एंशियंट ड्रामाटिस्ट रूल्स को ग्रेसफुल बना रहे हैं. एंशियंट ड्रामा बहुत डल बोरिंग लंबी कहानियों और स्पीच पर मबनी थे. क्राइड्स का कहना है कि एंशियंट ड्रामाटिस्ट जो थे उन्होंने तीन किस्म की यूनिटीज़ को ऑब्जर्व किया है. यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस एंड यूनिटी ऑफ एक्शन. यूनिटी ऑफ टाइम का मतलब है कि एक्शन 24 घंटों से ज़्यादा वक्त न ले. यूनिटी ऑफ प्लेस का मतलब है कि जो सीन जिस जगह पे चल रहा है उसको वहीं पे कंटिन्यू किया जाए. इसके लिए सिटी या कंट्री को ना बदला जाए. यूनिटी ऑफ एक्शन में एक ही मेन करेक्टर होना चाहिए ग्रेट एक्शंस में. फिर यूजीनियस रिप्लाई करते हैं कि एंशियंट राइटर्स ने इन यूनिटीज़ को फॉलो नहीं किया. अच्छे वर्क्स को मॉडर्न एरा में अप्रिशिएट नहीं किया गया और बैड वर्क्स को एंशियंट टाइम में क्रिटिसाइज नहीं किया गया. एंशियंट राइटर्स ने मोहब्बत पेशन इमोशंस नहीं शो किए और ना ही तजर्बे किए हैं. उन्होंने सिर्फ थिएटर को रिपीट किया है जबकि मॉडर्न राइटर्स ने बहुत से तजर्बे किए और थिएटर में नया चेंज भी लेकर आए. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. लिसीडियस वर्सेस मेनेंडर. फ्रेंच और इंग्लिश ड्रामा को लेकर उनके दरमियान में क्या कन्वर्सेशन हुई इसकी तरफ चलते हैं. लिसीडियस का कहना है कि फ्रेंच ड्रामा इंग्लिश ड्रामा से सुपीरियर हैं. मेनेंडर कहते हैं कि इंग्लिश ड्रामा बेस्ट रियलिस्टिक और नेचुरल हैं जबकि फ्रेंच ड्रामा आर्टिफिशियल हैं और ये सोसाइटी का इमेज शो नहीं करते. लिसीडियस का कहना है कि इंग्लिश की ट्रेजिक कॉमेडी एक बेवकूफ़ाना अमल है जबकि मेनेंडर का कहना है कि इंग्लिश ड्रामाटिस्ट ने ट्रेजिडी और कॉमेडी को मिलाकर ट्रेजिक कॉमेडी बनाई और थिएटर में न्यू इन्वेंशंस भी की. लिसीडियस कहते हैं कि फ्रेंच ड्रामाटिस्ट ने सिंगल स्टोरी का प्लॉट बनाया यानी अलग अलग कहानियाँ ना हों एक ही प्लॉट में. मेनेंडर ने कहा कि यही वजह है कि फ्रेंच ड्रामा बहुत डल और बोरिंग है. लिसीडियस कहते हैं कि फ्रेंच ड्रामाटिस्ट ने एक्शन और हादसा शो नहीं किए सिवाय सिचुएशन लिखने के. मेनेंडर कहते हैं कि हमारे इंग्लिश ड्रामा के एक्शंस बहुत ग्रेट हैं जिसमें हादसा जंग वगैरह सब कुछ को शो किया जाता है. मौत जिंदगी का हिस्सा है जिसको प्लेज में निगलेक्ट नहीं किया जा सकता. सो द डिस्कशन टर्न्स ऑन राइम एंड ब्लैंक वर्स. क्राइड्स अटेक राइम वॉलेंटली व्हाइल मेंडर रिप्लाइज टू क्राइड्स एंड स्पीक इन द डिफेंस ऑफ राइम. डिस्कशन आगे बढ़ते हुए मेंडर और क्राइड्स के दरमियान ब्लैंक वर्स और राइम वर्स पे शुरू हुई.
क्राइट्स कहते हैं कि क्राइम सीरियस प्ले में अलाउड नहीं है, लेकिन ये कॉमेडी में अलाउ हो सकती है. मियंडा कहते हैं कि राइम वर्स की बेस्ट फॉर्म है, इसलिए उसे सीरियस प्ले में यूज़ करना चाहिए. इसके बाद क्राइट्स का कहना है कि राइम वर्स अननेचुरल है प्ले में, क्योंकि राइम में कोई भी परमिशन के बगैर नहीं बोल सकता. जबकि मेंडर का कहना है कि राइम बजाते खुद नेचुरल है और ये रीडर्स को रीड करते वक्त अच्छा साउंड देती है. क्राइट्स कहते हैं कि ब्लैंक वर्स भी अननेचुरल है, क्योंकि इस वर्स में भी कोई नहीं बोल सकता. लेकिन ट्रेजेडी में एरिस्टोटल ने कहा है कि ब्लैंक वर्स जो है ये प्रोज के बहुत करीब होती है. एरिस्टोटल के मुताबिक ट्रेजेडी को वर्स में लिखना चाहिए, क्योंकि ये प्रोज के क्लोजेट है. इसके बाद मेंडर ने कहा कि ब्लैंक वर्स की कोई वर्स नहीं है, ये एक सादा पोएटिक प्रोज है और कॉमेडीज़ के लिए बिल्कुल फिट है. इसके बाद हम आते हैं कंक्लूजन पे कि आखिर क्या हुआ इनकी कन्वर्सेशन के बाद. उनकी बोट अपने मंजिल पे पहुंच गई, वो सब अलहदा हुए, एक दूसरे को खुदाफिज़ कहा. डिस्कशन चलती रही लेकिन कोई डेफिनेट नतीजा नहीं निकला और रीडर्स को छोड़ दिया गया कि ये खुद ही सोचें और डिसाइड करें. सो व्यूअर्स, इट वॉज ऑल अबाउट माई टूडेज लेक्चर. मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक और इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स के साथ. तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़. थैंक्स फॉर वॉचिंग.